परिवेश स्टेशन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया विजय लक्ष्मी गौतम का स्वागत। आपको बताते चले चीफ देवरिया सलेमपुर विधानसभा सलेमपुर क्षेत्र की भाजपा नेत्री विजय लक्ष्मी गौतम के स्वागत में उमड़ा कार्यकर्ताओं के जन सैलाब। सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर गाजे बाजे के साथ माला पहनाकर योगी मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने मूल उपहार देकर फूल माला उपहार देकर भाजपा नेत्री विजय लक्ष्मी गौतम जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारा लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने हौसला बढ़ाया। विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है जो सलेमपुर से भाजपा पार्टी से मुझे टिकट मिला। प्रेस वार्ता में कहा कि मैं सलेमपुर की बेटी हूँ, बहन हूँ, जो जनता से मुझे स्नेह और प्यार मिला उसकी मैं आभारी रहूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सलेमपुर से मेरा जीत सुनिश्चित है, जिसमें सांसद रविंद्र कुशवाहा, जिला मंत्री अभिषेक जायसवाल, रवि, अशोक पांडे, त्रिपुरा राय, बलबीर सिंह दादा, अजय दयाशंकर आदि मौजूद रहे। टिकट मिला दिया गया है, कार्यकर्ताओं और दर्शकों में खुशी का माहौल है, क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित ही कार्यकर्ता के दम पर ही चुनाव जीता जाता है और जनता भी उत्साहित है और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम हमेशा आपकी बेटी बहन की तरह हर समय एक जनप्रतिनिधि, मैंने कभी नहीं माना कि मैं चुनाव नहीं जीती हूँ, एक जनप्रतिनिधि सबकी सेवा करती रही हूँ। अपनी बेटी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दे करके विजयी बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की घोषित प्रत्याशी सलेमपुर विधानसभा से विजय लक्ष्मी जी हमारे बीच में है। आज हमारे कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश और उत्साह के साथ इनका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। रास्ते में नगर के व्यापारी और जनता सारे लोगों ने इनका स्वागत किया है बड़े जोश खरोश के साथ और निश्चित रूप से आने वाले 10 मार्च को विजय लक्ष्मी जी सलेमपुर से विजय प्राप्त करेंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।